विक्की कटरीना का हैशटैग क्या? विकेट। विराट अनुष्का का? विरानु। विरुष्का। रणवीर दिव्य का? नहीं बोलना चाहिए। अरे मित्तल साहब, जिस तरह की चीजें इस बार के शो में बोले जा रही है उससे अच्छा तो तुम यही बोल देते। ओहो, सो हे गाइस, इट्स मी धीरू वांचिक एंड गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये हमारा नया सेटअप, बताना कैसा है? अरे भाई धीरू, हर दूसरे दिन सेटअप ही बदलते रहता। किसी के घर में भी जाके घुस जाता है क्या कमरे में कि मुझे एक घंटे के लिए वीडियो बनाने दे दो? नहीं भाई, अभी यही रहेगा। तुम बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पारिवारिक और धारावाहिक शो के बारे में जिसके खिलाड़ी पिच पर नहीं बल्कि पिच के साथ खिलवाड़ करते हैं। नहीं मानो, शो में चुतियापा तो इतना बढ़ गया है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही अनुप सोनी द्वारा एक मिनट का डिस्क्लेमर चलाना पड़ता है। अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गैस किया है। आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के बारे में। मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके डीएनए को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है। डीएनए की ज्वेलरी? अरे मैडम, ये डीएनए जो है ना, मेरी फ्लश में अच्छा लगता है, गले में नहीं। अरे नहीं मैडम जी, तुमने अब किस मीठी बवासीर का इजाद कर दिया। औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है। अभी जो थोड़ा सा सीरियस सा माहौल शुरू हो गया, सब लोग जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या सेव करके रखना चाहिए एक औरत को, मतलब क्या वो रखना चाहती है, आओ सुनते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध। ओ भाई, मैं दिल्ली से हूँ। अरे दीदी, दिल्ली में डीएनए से जो है केस सुलझाए जाते हैं, आपने तो मोती ही बना डाले। अरे दीदी, ये इनोवेशन नहीं है, ये पागलपंती है, ढंग के काम करो यार कुछ। इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं। दोस्तों, सोना चांदी जाए भाड़ में, आपके गले में डायनासोर का मुठ मारा हुआ लॉकेट। तो दीदी, ये जो प्रोडक्ट है ना तुम्हारा, इसे कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में जो है ना एक से एक बड़े डॉक्टर पड़े हैं। भाई मैं सही बताऊं ना, प्रोडक्ट बनाने में इन दीदी से ज्यादा मेहनत तो मेले में बैठ के वो चावल के ऊपर नाम नहीं लिख रहे होते हैं, वो कर देते हैं। ये बिजनेस में है, इनके ब्रदर इन लॉ के साथ हमारा काम है सिंस 1998। तो ये 2018 में जब हमारे पास आए तो स्पॉन्टेनियस हमने पूछा क्यों ना हम ये काम करें, तो इन्होंने कहा कर लो, तो हमने 2 घंटे में अपनी कंपनी बना ली। भाई इन्होंने तो 2 घंटे में कंपनी खोल के डाल दी। यहाँ तो 2 घंटे किताब खोलने से पहले सोचना पड़ता है कि पढ़ने बैठू नहीं बैठू। पहले से 2 घंटे में कंपनी खोलने का आइडिया तो मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बहुत देखे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि बाप की जमीन के कागजात गिरवी रखने में डर लगता है, कहीं स्टार्टअप डूब न जाए। देखो यार भाइयों, अभी मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके कैसे अपनी कंपनी आगे खोल सकते हो, बट तुम्हें मैं जरूर बता सकता हूँ कि कैसे तुम जूपी पे जाके छोटे मोटे गेम्स खेल के बड़े बड़े कैश प्राइजेस जीत सकते हो। जूपी पे मिलने वाले आपको बहुत सारे गेम्स जिन्हें तुम अपना थोड़ा सा टाइम देके खेल सकते हो, उन्हें विन करने पे तुम्हें कैश प्राइजेस मिलेंगे। मेरा जो यहाँ पे फेवरेट गेम है वो लूडो है, मैं फ्री टाइम में वही खेलता हूँ। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि तुम यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही इजीली तुम्हारी विनिंग अमाउंट होगा उसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये 100% सेफ एंड ट्रस्टेड है। अगर अभी तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक ऐप डाउनलोड करोगे तो तुम्हें मिलने वाले 10 रुपए एकदम फ्री। तो जाओ जाके zoopy.com पे खेलो और जीतो बहुत सारे कैश प्राइजेस। ऐप डाउनलोड करो सिर्फ zoopy.com से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेले। पता है कि आपकी किचन में बहुत बड़ा खजाना है? ओहो हाँ, मैं एकदम सही कह रही हूँ, हमारी किचन में भी खजाना है। जो बहुरानी हमारे दहेज में बर्तन लाई थी वो खजाने से कम थोड़ी है, वो बात अलग है, बस कि ससुर जी ने फॉर्चुनर नहीं दी। भाड़ो साले, नल्ले फॉर्चुनर चाहिए तुझे, दो पैसे कमाता नहीं है। लग जाती हमारी भी सरकारी नौकरी, फिर एक क्या दो दो फॉर्चुनर मिलती। और उसके बाद आगे एजुकेशन, इसके बाद रशियन, इसके बाद हमने बीए किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। अरे मैडम आप गलत शो में आ गई हो, ओरिजिनल वाले में जाओ, शार्क टैंक यूएसए। ठीक है, लास्ट टाइम जो हुआ था बेइज्जती एंटरप्रेन्योर्स की काफी, तो ये टाइम आपको वो नहीं दिखेगा। यस यस सर, एकदम सही कह रहे हो, इस बार जो है शो पे एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती नहीं हुई है, क्योंकि शार्क्स ने अपनी खुद की बेइज्जती इतनी ज्यादा करवा ली है। उनकी बेइज्जती कुछ लगी नहीं रही है। पैराडाइज एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाई, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। अच्छा, ये बालों में शाही पनीर की ग्रेवी गिरवाने के मैं 200 फेंक दूं? इसे तुम्हारी भाषा में फैशन बोलते होंगे, हमारे यहाँ जो है अजय देवगन की कुल्लियों का शिखार बोला जाता है।
अरे भैया कैमरा से मुंह हटा ले, इंसानी रूप में जो है मोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मोर मूत के भाग्य होते हैं। मैडम जी जैसा कलर ये तुम बेच रहे हो ना, सेम ऐसा ही कलर लगा के अभी से 4 साल पहले लॉन्डे अपने हीरो होंडा बेजल्स को बाहर मिलते थे। मुझे मछली बाजार ज्यादा लग रहा है यार। नहीं मेरे प्यारे शार्क्स, अगर ऐसी ही लड़ाई लड़नी है तो दो गली छोड़ के बिग बॉस का सेट लगा हुआ है, वहाँ जाके लड़ाइए कर लो। वहाँ पे लड़ने पे जो है पैसे कटते नहीं मिलते हैं। और विनीता जी अगर आपको भागने का इतना ही शौक है तो शो से भागने का ट्राई करो ना। नहीं यार ये सब देखने के बाद मेरा ये कहने का मन है, ये सब दोगलापन है। वैसे दोगलेपन से याद आया अश्नीन ग्रोवर, भाइयों अश्नीन ग्रोवर बोल दिया मैंने, अश्लील अश्लील कह रहा था मैं पिछली दो बार से। तो सीजन 2 में The toxicity is out for good. Oh my God! Oh, toxicity is out from the show. नहीं मैडम जी फिर ये सब क्यों चल रहा है, ये क्या है, श्री राम रहीम जी के दोहे चल रहे इधर? अबे भाई वही तो एक रियल बंदा था जो कुछ भी कह देता था किसी के भी सामने, वो इस बार शो पे नहीं, आधी टीआरपी तो शो की वैसे ही गिर गई है। और यार तन्मय भैया या तो तुम ऐसे इंटरव्यूज लेना छोड़ दो या फिर यूट्यूब। अगर पूरे यूट्यूब में मुझे कोई हंसने के मामले में हरा सकता तो वो तुम ही हो। दोस्तों इस बार अश्लील ग्रोवर की जगह जो है हमारे अमित भाई आए हैं। अरे नहीं अमित भड़ाना नहीं भाई, अमित भाई कास्ट 24 वाले। अमित भड़ाना और इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है नहीं, इनको देसी बनाना पसंद है और इन्हें देसी पी के रात को चला। अरे यार अमित भाई मैं क्या कह रहा, लगे हाथ जो मेरी अल्टो भी दिखवा दो। सब मस्त है, आज भी टिच लगती है एकदम, एवरेज भी बढ़िया देती है, बस वो बात अलग है कि लंबे रूट पे ले जाते हैं तो फिर एक दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ती है उसे घर लाने के लिए। ये मशरूम सा, टूटी पाई सा, शरीफ सा। आप क्या ड्रामा स्कूल में थे, कॉलेज में? पिछला सीजन 5-6 बार देख लिया तो सीख गए थे। अरे बड़े भाई पिछला शो तो तुमने 4-5 बार देख लिया, लेकिन इस बार का शो जो है एक बार भी मत देख लियो, फालतू में आगरा मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट बढ़ जाएगा। ना साथ एटलीस्ट आपके पैसों के साथ साथ खून भी तो बढ़ेगा ना सर। हंसने से खून बढ़ता है बोलते तो है। अच्छा सॉरी। जी वाह वाह विनीता जी आप ऐसे ही हंसो, आपकी बॉडी को जरूरत भी है खून की। इनको दिमाग में खून की जरूरत है। मैं कहा अनुपम भाई यार तुमने दिमाग का जिक्र कर ही दिया तो खून से पहले इन्हें दिमाग की भी जरूरत है। इंट्रोड्यूसिंग ओइजी स्लीप, इंडिया का पहला वेरिएबल स्लीप रिलैक्सर। अनुपम सर आप आए सर, हम ट्राई करेंगे साथ में। साथ में? अरे भाई अरे भाई यार ये शार्क टैंक के नाम पे क्राइम पेट्रोल का कौन सा एपिसोड शूट हो रहा है? ट्राई करेंगे साथ में। साथ में? अरे भाई और भाई तुझे ज्यादा शौक है लॉन्डो के साथ लेटने का, कहीं तू इंस्टाग्राम पे मुंह से जट्टाना को फॉलो तो नहीं करता? और अनुपम भाई सरमाना कैसा, शादी.com पे पार्टनर मिलने से अच्छा यहीं पे मिल जाए। हम ट्राई करेंगे साथ में। साथ में? अरे अनुपम भाई इसे पहनने से पहले जैकेट उतार लो, या फिर जैकेट नहीं अनुपम भाई पहले बेल्ट निकालो, किसी पे इस्तेमाल करने का बहुत मन कर रहा है। अबे नहीं भाई यार ये क्या प्रोडक्ट बनाया तूने, साला पेटीकोट जैसा लग रहा मुझे तो देखने पे, इससे अच्छा तो स्लीपिंग बैग आता है उसमें कोई घुस के सो लेगा। को मतलब पूरी तरह करके लेटना मेरे लिए नामुमकिन। तो ये लड़की आई थी शो के अंदर, इनका जो है फूल का बिजनेस था, ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है, आई एम श्योर ओवरऑल डिक्लाइनिंग होगा। पूजा तो हर कोई मैं भी करता हूं, पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए भगवान को? अरे विनीता जी तुम तो पूजा के बाद सीधे प्रसाद लेने जाती हो, तो तुम्हें क्या पता कि पूजा के टाइम फूल चढ़ते हैं नहीं चढ़ते हैं? अभी शांत मन से पूजा में भी बैठो। तो जैसे कि तुमने सुना मैडम का कहना था पूजा के लिए फूलों का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग नहीं है, लेकिन जब इन्होंने इनकी सेल्स जानी तो लालच से मुंह खुला का खुला रह गया। अगस्त था फर्स्ट मंथ जब हमने 1 करोड़ सेल्स क्या कह रही हूँ मैडम, इतना तो मेरी कंपनी भी सेल नहीं कर पाती मंथ में। आपको नहीं लगा ये जो नाम है ये एक इन अ वे अच्छा नाम भी है बट इन अ वे मतलब नेगेटिवली भी परसीव हो सकता है, इट्स अ रिस्की नेम। आपको किसी ने गिरगिट बुलाया क्या कभी? अरे विनीता जी ने किसी ने गिरगिट कह के बुलाया हो ना बुलाया हो, लेकिन पिछले शो के बाद तुम्हें पूरे इंटरनेट पर राजू की माँ कह के जरूर बुलाया गया है। भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की, लूट मची है सारे देश में, और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से।
ओके आपको किसी ने गिरगिट बुलाया क्या कभी? गिरगिट का तो नहीं पता, लेकिन शो ने जरूर रंग बदल दिए। कब शार्क टैंक से इंडियन आइडल बन गया कुछ पता ही नहीं चला। अमन इज लाइक थ्रू आउट द शो लाइक नो ही स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग ही लाइक एंड ही विल स्टार्ट गोइंग लाइक दिस 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25। नहीं दीदी, बहुत बहुत खराब एक्टिंग करी है। इतनी अच्छी एक्टिंग तो तुमने थ्री इडियट में ही कर ली थी। शर्म करो भगवान से डरो। ओके गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो में देरी खत्म करते कर तुम्हें दिख आया हूँ, मजा तो लाइक करनी है और दोस्तों तुम्हें बताना है कि हमारा नया सेटअप कैसा है। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जूपी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मस्त मस्त गेम्स खेलो। डाउनलोड कर दिए तुम्हें 10 रुपए मिलने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? शेयर भी कर दो वीडियो उन सारे दोस्तों को जरूर करना जो शार्क टैंक देख रहे हैं इस बार का।